नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। सबसे पहले हमारे चैनल की आप सभी से अपील है कि आप सभी डेंगू मलेरिया से अपना बचाव करें, अपने घर के पास गंदगी जमा ना होने दें, साथ ही जहां पर जल भराव है वहां पर दवा का छिड़काव जरूर करवाएं, अपने घरों में भी पानी का जमाव इकट्ठा ना करें, कूलर और मटकों का पानी भी लगातार बदलते रहें। अगर आपको किसी भी तरह की बुखार जैसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इस वक्त की खबर पर। हाथरस से मंगलवार की सुबह अलीगढ़ आगरा बाईपास पर भीषण सड़क दुर्घटना घटित हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेरो जीप को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि जीप के पर खच्चे उड़ गए और जीप में सवार सभी श्रद्धालु बुरी तरह से जख्मी हो गए। तीन घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया। एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। जीप में सवार सभी लोग हरिद्वार से गंगा स्नान करके आ रहे थे। पुलिस की सजगता ने कई लोगों की जान बचा ली, यह काबिले तारीफ। आपको बता दें कि यह दर्दनाक भीषण सड़क हादसा मंगलवार की सुबह 4 बजे का है। हाथरस से आगरा की ओर जाने वाले बाईपास के गांव रुहेरी के पास बिलेरो जीप को तेज रफ्तार अज्ञात लापरवाह ट्रक चालक ने जोरदार टक्कर मार दी और आगरा की ओर भाग निकला। टक्कर लगने पर हुए जोरदार धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर आ गए। तुरंत सूचना हाथरस गेट पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही 2 जीओ में भरकर भारी मात्रा में फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा। जीप में फंसे घायलों को निकालकर बागला अस्पताल भिजवाया गया। डॉक्टरों ने सभी को प्राथमिक उपचार देने के बाद 3 लोगों को गंभीर अवस्था में अलीगढ़ रेफर कर दिया। घायल रजत यादव निवासी जगराजपुर फतियाबाद आगरा के अनुसार उनकी मां 50 साल की श्रीमती बेबी की मौत हो गई। पिता जयप्रकाश उम्र 55 सहित 3 लोग अलीगढ़ रेफर कर दिए गए। उनकी पत्नी सोनम तथा 3 बच्चे घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। सभी लोग हरिद्वार से गंगा स्नान करके आ रहे थे, यह हादसा हो गया। थाना हाथरस गेट पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। घायलों की देखभाल में लगे हुए हैं। हाथरस से गुजरने वाले बाईपास के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें बलेरो कार को एक लापरवाह ट्रक चालक ने बुरी तरह से रौंद डाला है। इस जीप में सवार एक ही परिवार के सभी लोग श्रद्धालु थे जो हरिद्वार से गंगा स्नान कर लौट कर आ रहे थे। इस भीषण हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें अलीगढ़ भेजा गया है। घटना की सूचना के बाद थाना हाथरस गेट पुलिस पहुंची है। जो जीप में फंसे हुए थे क्षतिग्रस्त में उसमें सारे घायलों को निकालकर बागला जिला अस्पताल भेजा है। यहां का घायलों का हाल देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही घटना भयंकर थी। यहां पर कुछ मासूम भी घायल हैं, उनको यह भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं। ये सारे लोग अचेत अवस्था में हैं। बताया गया है कि ये फतेहाबाद आगरा क्षेत्र के रहने वाले हैं जो गंगा स्नान करके लौट कर आ रहे थे। यहाँ गांव रुहेरी के पास लापरवाह ट्रक चालक ने इसमें टक्कर मारी है जीप में। ये घटना इतनी भयंकर है, इतना भीषण हादसा है कि जीप के परकच्चे उड़ गए हैं। पुलिस पूरी सतर्कता से लगी हुई है, घायलों की देखभाल कर रही है, परिजनों को सूचना दे दी गई है। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस के लिए विष्णु कुमार नागर हाथरस से। क्या नाम है भाई साहब का? हरीश यादव। मेरा नाम हरीश यादव। रजत यादव। कहाँ रहते हैं आप? नाम जगरायपुर तहसील फतेहाबाद जिला आगरा। हाँ, कहाँ से आ रहे थे आप? मंसूरी से आ रहे थे। है जी, मंसूरी से दर्शन करके आ रहे थे क्या? हाँ। ये आपका पूरा परिवार है? पूरा परिवार है, पूरी फैमिली। पूरी फैमिली से आ रहे थे। तो क्या लौटते में क्या हुआ? लौटते में ट्रक वाले ने टक्कर दे दी थी। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया। कितने बजे घटना है? टाइम होगा तुम्हारा 1:30 बजे करीब। 1:30 बजे तो आप लोग पूरे परिवार सहित आप दर्शन करके आ रहे थे लौट के? पूरे परिवार सहित। कौन सी गाड़ी थी? बोलेरो। सीताराम ट्रेडर्स, हमारा पता है SBI ATM के पास मेन रोड मोड। हमारे यहाँ नेरोलैक पेंट, एशियन पेंट, पुट्टी, ब्रश, लकड़ी की पॉलिश का सामान आदि सभी प्रकार का सामान उचित रेट पर मिलता है। नक्कालों से सावधान, 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी। संपर्क करें दिए गए हमारे मोबाइल नंबर्स पर 9473932363 या फिर 8756919443। प्रॉपराइटर ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, पनारी वाले।